हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 23 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के किस चरण का शुभारंभ किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, तीसरे चरण का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को 25-25 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को 25-25 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के जनवरी से लेकर के जून 2021 तक के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया गया है। और अगर आपको जुलाई मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप जुलाई मंथ और उत्तर प्रदेश लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला स्मॉग टावर कहाँ स्थापित किया गया। तो ये दिल्ली में स्थापित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर रहा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, अमेजॉन एलेक्सा को किस भारतीय अभिनेता की आवाज दी गई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ बच्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला EV फ्रेंडली हाईवे कौन सा बना। तो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे ये भारत का पहला EV फ्रेंडली हाईवे बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग द्वारा आयोजित क्लाइंब अ थोन को हरी झंडी दिखाई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो अपूर्व चंद्र को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 20 अगस्त को। अब दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, कल्याण सिंह। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का 21 अगस्त 2021 को 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। और कहां पर, तो लखनऊ के संजय गांधी PGI में इनका निधन हो गया है। कल्याण सिंह राज्यपाल कार्यालय में अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले 5 दशकों में राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। इनके पास हिमाचल प्रदेश का भी राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कल्याण सिंह है ये हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं। और जो कल्याण सिंह है ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 1991 में ये पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। और उत्तर प्रदेश में ये भाजपा के यानी भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री थे। कल्याण सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 5 जनवरी 1932 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अतरौली तहसील के मढ़ौली गांव में इनका जन्म हुआ था। कई बार एग्जाम में गांव भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है अलीगढ़ जिले के कौन सा गांव है, मढ़ौली गांव, यहां पर इनका जन्म हुआ था। अब दोस्तों, ये जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो ये पहली बार 1967 में अतरौली से, कहां से, अतरौली से विधानसभा चुनाव जीत करके उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे थे। तो ध्यान रखना है, पहली बार 1967 में इन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता था। और जो ये कल्याण सिंह है ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 2 बार यूपी के CM रहे। और इनका कार्यकाल कितना रहा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। पहली बार जो इनका कार्यकाल था वो था
24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 के बीच में पहली बार ये कार्यकाल था। और दूसरी बार जो इनका कार्यकाल रहा था वो कब था, तो 21 सितंबर 1997 से 12 नवंबर 1999 तक ये दूसरी बार मुख्यमंत्री रहे। तो इनका कार्यकाल भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और ये जो कल्याण सिंह थे ये 10 बार विधायक चुने गए। और राजस्थान के जो ये राज्यपाल रहे थे वो कब रहे थे, तो आपको ध्यान रखना है कि 4 सितंबर 2014 से 8 सितंबर 2019 तक ये राजस्थान के राज्यपाल रहे। और हिमाचल प्रदेश का भी इनके पास अतिरिक्त कार्यभार रहा। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कब रहे थे, तो 28 जनवरी से लेकर के 11 अगस्त 2015 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार इनके पास रहा था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सहारनपुर के इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम देवबंद के लिए प्रसिद्ध देवबंद में आतंकवाद विरोधी दस्ते ATS कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर की इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम देवबंद के लिए प्रसिद्ध देवबंद में आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी ATS कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रदेश भर में 1.5 दर्जन से अधिक ATS अधिकारियों की वहां प्रतिनियुक्ति की जाएगी। सरकार पहले ही देवबंद में ATS प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए 2000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि आवंटित कर चुकी है। देवबंद उत्तरांचल और हरियाणा सीमा पर स्थित है। देवबंद में एक कमांडो सेंटर होगा जिसमें ATS कमांडो तैनात रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर की इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम देवबंद के लिए प्रसिद्ध देवबंद में आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी ATS कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। और ये जो देवबंद है ये कहां पर है, तो उत्तरांचल और हरियाणा सीमा पर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बन रहा पहला खेल विश्वविद्यालय किसके नाम पर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद के नाम पर। खेल रत्न के बाद यानी दोस्तों अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम जो है वो मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया गया। और अब प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के नाम पर होगा। ये जो खेल विश्वविद्यालय है ये मेरठ में बन रहा है। ओलंपिक में लगातार 3 गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड मेजर ध्यानचंद के नाम पर है। हॉकी के जादूगर मेरठ में 10 साल तक रहे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उन्हें यहाँ तैनाती मिली और वर्ष 1945 से 1950 तक यहीं से खेले। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो मेरठ में ये बन रहा है। और इसका नाम जो है वो किसके नाम पर रखा जाएगा, तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन कहाँ स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चमोली जिले में माड़ा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया गया। पार्क का उद्देश्य क्या है, तो विभिन्न औषधीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पाइन प्रजातियों का संरक्षण करना और उनके आवास पारिस्थितिकी पर शोध करना, ये पार्क का उद्देश्य है। इसे प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण योजना के तहत विकसित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन कहां पर स्थित है, तो उत्तराखंड में। इसका उद्घाटन किया गया और उत्तराखंड में कहां पर, तो चमोली जिले में। गांव का नाम पूछा जाए तो माड़ा गांव में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 11,000 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। अब यहां पर उत्तराखंड की बात है, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या है 5 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 3। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल पार्क की 6 श्रेणियों में किया जाएगा।
जिसमें कोई वायरलेस या खराब मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होगी। यह वन कर्मियों को शिकारियों से और बाढ़ जैसी आपात स्थिति से निपटने में सहायता देगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने अगस्त 2021 में अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 का शुभारंभ किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी वैष्णव ने। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 17 अगस्त 2021 को अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 का शुभारंभ किया। यह महिला उद्यमियों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी समाधानों को प्रोत्साहित करेगा जो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की सुविधा प्रदान करते हैं। माई जीओवी प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया जा रहा अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 17 सितंबर 2021 तक प्रविष्टियां स्वीकार करेगा। इसका उद्देश्य महिलाओं को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद करने के लिए सशक्त बनाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 है उसका शुभारंभ किसने किया है, तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका शुभारंभ किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद करने के लिए सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पीयूष गोयल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 18 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की। और ब्रिक्स में ये जो बैठक थी इसमें किन देशों ने भाग लिया था, तो ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के उद्योग मंत्रियों ने बैठक में भाग लिया था। उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के साथ सहयोग करने का इरादा व्यक्त किया। भारत ने एनडीबी के कार्यों का विस्तार करने और औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के अलावा सामाजिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए संसाधनों का उपयोग करने की इच्छा व्यक्त की। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 18 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी अध्यक्षता की है। और यहाँ पर जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं, तो ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। तो ये जो है 5 देश ब्रिक्स में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी द्वारा सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अपने सिमहाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है। यह फ्लेक्सिबिलाइजेशन योजना के तहत स्थापित होने वाली पहली सौर परियोजना भी है। इसमें 1,00,000 से अधिक सौर फोटोवोल्टिक यानी पीवी मॉड्यूल से विद्युत पैदा करने की क्षमता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना कहां पर शुरू की गई है, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में सह्याद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इस्माइल साबरी याकूब ने। इस्माइल साबरी याकूब ने 20 अगस्त 2021 को मलेशिया के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। साबरी देश की सबसे लंबी समय तक शासन करने वाली पार्टी यूनाइटेड मलय नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एक अनुभवी राजनेता हैं। और मलेशिया के राजा कौन है, तो राजा सुल्तान अब्दुल्लाह अहमद शाह, ये मलेशिया के राजा हैं और इन्होंने ही इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उन्होंने संसद के निचले सदन में बहुमत का समर्थन खोने के बाद इस्तीफा देने वाले मुहिद्दीन यासीन का स्थान लिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस्माइल साबरी याकूब ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो मलेशिया के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। मलेशिया की अगर बात करें तो मलेशिया की राजधानी क्या है, तो कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। मलेशिया की मुद्रा क्या है, तो मलेशियन रेंगिट मलेशिया की मुद्रा है। और मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो इस्माइल साबरी याकूब। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक 100 और भूकंप वेधशालाओं को जोड़ देगा? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2026 तक। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 21 अगस्त 2021 को कहा कि भारत
2026 तक 100 और भूकंप वेधशाला को स्थापित करेगा। भारत में इस वर्ष के अंत तक 35 और भूकंप वेधशालाएं बनने जा रही हैं। भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़ और सुनामी के मामले में भारतीय उपमहाद्वीप को विश्व के सबसे अधिक आपदा संभावित क्षेत्रों में से एक माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत जो है वो 2026 तक 100 और भूकंप वेधशालाओं को स्थापित करेगा। तो दोस्तों ये थे 23 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में माकी काजी का निधन हो गया, उन्हें किस खेल के गॉडफादर के रूप में जाना जाता था? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, सुडोकू। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर एक जिला एक उत्पाद कृषि योजना लागू करने की घोषणा की? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है गुजरात और डी है हरियाणा। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।